अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर राहिला और मैं स्पीच लैंग्वेज थेरेपिस्ट और स्पेशल एजुकेटर। आज का हमारा टॉपिक है फोनोलॉजिकल एरर इन चिल्ड्रन। जितने भी मैंने अपने सेशन किए हैं उसमें जितने भी पार्टिसिपेंट थे उसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चन मुझसे पूछे गए हैं वो बच्चों की क्लैरिटी के हवाले से थे, यानी कि बच्चे जो बोलने में जो उनकी सफाई नहीं होती, तो ज़्यादातर जो वालदेन थे तो उन्होंने हमेशा से मेरा टॉपिक कुछ और होता था और वो सवाल करते थे स्पीच क्लैरिटी के हवाले से। तो आज का जो मैंने सेशन अपना कंडक्ट करना है वो है फोनिक पे, यानी कि फोनिक जो हमारे साउंड हैं या जो हमारे हरूफ़ तहज्जी हैं उसमें बच्चे जो है उसको मिस प्रोनाउंस करते हैं, उसको सफाई के साथ जो है वो अदा नहीं करते। तो आज जो है मैं इस पे हम डिस्कस करेंगे कि ये होता क्यों है, बच्चे किस टाइप के साउंड एरर करते हैं, प्लस जो है इनकी असेसमेंट कैसे होगी, इनकी थेरेपी कैसे होगी, तो इस पे हमने बात करनी है। तो स्टार्ट लेने से पहले मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर दूं कि देखिए ये जो फोनिक एरर होते हैं ये ऑलमोस्ट हर बच्चे में ही होते हैं, यानी बच्चा जब बोलना सीखता है तो जो कि उसके जो स्पीच ऑर्गन होते हैं उसमें इतनी मेच्योरिटी नहीं होती, जिसकी वजह से वो जो भी लफ्ज़ बोलता है तो वो किसी को इतना, यानी कि हर आम बंदे को समझ में नहीं आता। लेकिन टाइम के साथ साथ जैसे जैसे बच्चे की एज गुजरती जाती है तो उसके जो साउंड एरर है उसमें कमी आती जाती है, और किसी ख़ास एज यानी कि 3 से 4 साल, बल्कि 4 साल में बच्चा जो है 70% जो है बड़ा क्लियर वे में बातचीत करना शुरू करता है, यानी कि एक अजनबी जो फर्स्ट टाइम बच्चे से बात करता है तो 70% जो है वो उसकी स्पीच को अंडरस्टैंड करता है। जो कि बच्चों के जो वालदैन होते हैं शुरू से जो कि उनके उस स्पीच से जो है वो फेमिलियर होते हैं, वो जो भी बात करते हैं तो पेरेंट्स जो है वो समझ जाते हैं कि बच्चा जो है क्या बोलना चाह रहा है। लेकिन एक आम आदमी जो है बच्चों के स्पीच को जो है इतने आसानी से समझ नहीं पाता, बल्कि ज़्यादातर जो है वो डिमांड करते हैं कि दोबारा बोलो, समझ में नहीं आया, तो बच्चों को इस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो स्पीच में इसका जो टेक्निकल वर्ड्स हैं इसको फोनोलॉजिकल या आर्टिकुलेशन प्रॉब्लम्स कहते हैं। प्रॉब्लम्स तब हम कहते हैं जब बच्चा एक ख़ास एज, यानी 5 से मैक्सिमम जो एज होती है वो 7 साल, जो कि हमारे यहाँ जो है लोग जॉइंट फैमिली में ज़्यादा रहते हैं तो हमारे यहाँ बच्चा जो है लैंग्वेज बहुत जल्दी पिक कर लेता है। तो 4 साल में अगर देखें या 5 साल में मैक्सिममली बच्चा बड़ा क्लियर वे में बातचीत करता है, यानी कि सारे फैमिली मेंबर, चाहे उनके रिलेटिव हो चाहे कोई स्ट्रेंजर हो, सब जो है उसके, यानी 5 साल की उम्र में बच्चे के जो कन्वर्सेशन है उसको वो समझते हैं। लेकिन अगर 5 साल या मैक्सिमम जो अगर बच्चा 7 साल तक भी क्लियर वे में बात नहीं करता तो इसका मतलब है कि वो एक प्रॉब्लम है, एक डिसऑर्डर है। ठीक है, डिसऑर्डर का जो ताल्लुक होता है वो एज वाइज होता है, यानी कि वो नॉर्म्स जो बच्चा एक और दूसरे नॉर्मल बच्चों के मुकाबले में अगर वो माइलस्टोन अचीव नहीं करता तो इसका मतलब है कि उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई है। अगर हम डिसऑर्डर की बात करें तो आगे चल के मैं आपको बताऊंगी कि डिसऑर्डर्स क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम थोड़ा सा ब्रीफली जो है मैं आपको बता दूं कि बच्चा जब बोलना सीखता है तो ये जो है उसमें हकलाहट भी होती है और उसमें तुतलाहट भी होती है। ठीक है, कुछ बच्चों में जो है प्रॉब्लम्स हो सकता है कि मसल वीकनेसेस की वजह से जो है
वो अपने खास एज यानी कि 7 ईयर्स तक भी पहुंचने में जो है उसकी क्लैरिटी जो है वो डेवलप नहीं होती, या कोई जो ऑर्गन है स्पीच ऑर्गन में कोई फॉल्ट है, कोई भी जिस प्रॉब्लम आ जाता है उसकी वजह से भी बच्चे की साउंड की क्लैरिटी नहीं आ पाती, ठीक है। लेकिन जो फंक्शनल प्रॉब्लम होता है, फंक्शनल का मतलब है कि जो रोज़मर्रा बच्चा बातचीत करता है और उसमें जो है जो कम उम्र में वो तुतलाता है, तुतलाहट जो है बात जो शुरू में पेरेंट्स को बहुत अच्छा लग रहा होता है, यानी कि बच्चा जब भी तोतलेपन में बात करता है तो बल्कि पेरेंट्स अगर देखा जाए तो बच्चों को इनकरेज करते हैं, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे बच्चा कहता है मुझे जूस पीना है, तो पेरेंट्स उसी के लैंग्वेज में बात करते हैं, आपने जूस पीना है, आपने जूस पीना है, ठीक है। तो ये क्या है, बच्चा फिर पेरेंट्स के इन लफ्जों को सुन सुन के फिर उसका वो जो पैटर्न होता है वो डेवलप हो जाता है, ठीक है। यानी पहले जो कि उसको इंकरेजमेंट मिलती है, पेरेंट्स जो है बच्चे के इस स्पीच को एंजॉय कर रहे होते हैं और बार बार उसकी वो जो एरर करता है उसको जो है उसके सामने बार बार उसी अंदाज में बोलना, तो इट्स बीन के ये बच्चे को आप इनकरेज कर रहे होते हैं। जब बच्चे को इनकरेजमेंट मिलती है तो बच्चा जो है फिर ऐसी पैटर्न को जो है आगे चल के अडॉप्ट कर लेता है, और जब वो आगे यानी कि जब वो स्कूल एज में जब वो स्कूल जाना शुरू करता है और तोतलेपन में बात करता है तो फिर बच्चे उस पर मजाक उड़ाते हैं, या अगर घर में भी वो तोतलेपन में बात करता है, डेफिनेटली करता है, तो पेरेंट्स भी कहते हैं ये कैसी बात कर रहे हो आप, ऐसे नहीं ऐसे बोलो, और फिर उसको डांटना शुरू कर देते हैं। बल्कि कुछ पेरेंट्स तो है बहुत गुस्सा करने शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर आप ये सोचें कि बच्चों का यह पैटर्न डेवलप होना इसमें किसका हाथ होता है, डेफिनेटली पेरेंट्स का हाथ होता है। पेरेंट्स अगर बचपन में ही इनके इस स्पीच को इनकरेज नहीं करते तो मे भी जो है उनमें ये तोतलापन नहीं आता, यानी कि आप उसी के एरर को जो है रिपीट करके और उसी अंदाज में जो बच्चा जिस अंदाज में बोल रहा है उसी अंदाज में आप बोलते हैं तो वो बच्चे का वो सुन सुन के ब्रेन में जाके फिट हो जाता है, स्टोर हो जाता है, वो जो साउंड प्रोडक्शन होती है जो इनकरेक्टली बच्चा अदा कर रहा है वो जाके उसके यहाँ पे ब्रेन में जाके स्टोर हो जाती है, ठीक है। तो अगर शुरू में आप जो है ऐसी स्ट्रेटजी यूज करें कि आप डायरेक्टली जो है बच्चे को करेक्ट वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन दें, ठीक है, बजाय उसके कि उसी के लहजे में बात करें, उसी के टोन में बात करें, उसी के साउंड एरर में बात करें, तो इससे बच्चे का क्या होगा, आगे चल के ये एरर जो है बाद की लाइफ में उसको फेस करना पड़ते हैं। तो यहाँ पे मुझे पेरेंट्स के लिए थोड़ा सा ये बताना है कि आप जो है बच्चे के जो वो प्रॉब्लम वो एक पैटर्न होता है बोलने का, यानी तोतलापन का जो एक अपना उसका एक पैटर्न होता है, उस पैटर्न में आपने बच्चे के साथ जो है बात नहीं करनी है, बल्कि जो लव्स की प्रोनाउंसिएशन जैसे वो कर रहा है, जैसे काफ को वो ते बोलता है, बाज बच्चे होते हैं जैसे केले को बोलते हैं तेला नहीं थाना, या खाने को बोलते हैं थाना नहीं थाना, थाना नहीं थाना, आपके क की प्रोडक्शन की जगह वो जो है त को करता है, यानी कि सब्स्टिट्यूट करता है काफ को ते के साथ, उसी वक्त जो है आप जो है बिल्कुल राइट जो प्रोनाउंसिएशन है वो दे, ताकि बच्चा जो है वो राइट साउंड की जो प्रोडक्शन है मतलब वो सुने और आगे चल के उसी को जो है फिर सही तरह से अदा करें। तो फोनोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या है, फोनोलॉजिकल जो है बेसिकली ये एक स्टडी है ऑफ द डिफरेंट साउंड एंड द वे कम टुगेदर टू फॉर्म अ वर्ड्स, यानी कि जो साउंड्स है साउंड लेटर हैं, ठीक है, इंडिविजुअली जो साउंड होती है जो हमारे हरूफ इताजी होते हैं जैसे अ ब प क, ये फोनिक हैं हमारे, ठीक है, इन्हीं फोनिक से जो है ये वर्ड्स बनते हैं, ठीक है। जब बच्चा इन फोनिक्स को यानी कि इन साउंड या हरूफ इताजी को कंबाइन करके बात करता है तो उससे वो वर्ड्स बनता है,
ठीक है, तो वो बीच में साउंड एरर, जिसमें आपको काफ की जो एग्जाम्पल दी, या बच्चा जो है जूस को बोलता है जूश, जैसे सीन की जगह उसने शीन की प्रोनाउंसिएशन की, तो ये क्या है, ये फोनिक एरर कहलाते हैं। ठीक है, तो जो फोनोलॉजिकल है, फोनोलॉजी है, वो स्टडी ऑफ द साउंड है। तो हर लैंग्वेज की अपने एक वो होते हैं, हरूफ होते हैं, ये साउंड लेटर होते हैं, जो बच्चा जो है उसकी डेवलपमेंटल जो साउंड की जो डेवलपमेंट हो रही होती है, तो उसमें बच्चा जो है इन साउंड्स को सीखता है। ठीक है, तो फोनोलॉजी जो है क्या है, स्पीच साउंड है, जो स्पीच साउंड्स होती है, जैसे मैंने आपको बताया जो है, अगर बच्चा बिल्ली बोलता है, लफ्ज बिल्ली उर्दू एक लैंग्वेज है, ठीक है, अगर मैं जो है ना बिल्ली लफ्ज की बात करूं, तो ब साउंड है, ल साउंड है, ई वोवल साउंड है, ठीक है, जब ये तीन साउंड कंबाइन होते हैं तो इसको हम जो है एक वर्ड्स बोलते हैं, जो कि ये वर्ड्स जो है साउंड की कम्बिनेशन से बना है, और जो फिर उसको कन्वर्ट किया जाता है उर्दू लैंग्वेज में। ठीक है, तो लैंग्वेज हमारी क्या हुई, बिल्ली, यानी कि उर्दू लैंग्वेज। ठीक है, तो ये लैंग्वेज है। ठीक है, फिर अगर हम इंग्लिश की बात करें तो कैट, स क क क अ ट, फिर क अ ट, ठीक है, ये क्या है, ये तीन फोनेम है, और जब हम इसको कंबाइन करते हैं तो इससे जो वर्ड्स बनता है वो है कैट। तो कैट जो लफ्ज है वो इंग्लिश का लफ्ज है। ठीक है, तो ये एक अलग लैंग्वेज है। तो हर लैंग्वेज के अपने एक साउंड्स होते हैं, हरोविताजी होते हैं, जो बच्चा सीखता है। जैसे लैंग्वेज पे मैंने अपना सेशन कंडक्ट किया था, जो जिसका टाइटल था वोकैबुलरी बूस्टिंग टिप्स फॉर पेरेंट्स विद डिलेड चिल्ड्रन, डिलेड स्पीच, तो उसपे मैंने आपको लैंग्वेज के हवाले से उसकी डेफिनेशन जो बताई थी, कि यही था कि जो बच्चा जो है अपने इन्वायरमेंट से, जो जिस माशरे में वो रहता है या जिस सोसाइटी में वो रहता है, तो वो वहां का लैंग्वेज को जो है वो उसमें एक्विजिशन होती है, वो लैंग्वेज को मतलब वो लैंग्वेज उसमें डेवलप होती है, यानी जो साउंड्स बार बार सुनता है। अब वो साउंड्स क्या है, जो इर्द गिर्द आपकी साउंड्स बोली जाती है, बच्चा शुरू में क्या करता है, बैबलिंग करता है। ठीक है, बैबलिंग, मम मम म, द द द, क क क, ये क्या है, ये हमारी अपनी लैंग्वेज से बच्चा सीख रहा होता है, जो आगे चल के साउंड से जो है वो सिलेबल्स पे आ जाता है, सिलेबल्स से फिर वो वर्ड्स पे आ जाता है। ठीक है, अगर उसने करेक्टली साउंड को सीख लिया है, तो आगे चल के वो लफ्ज की जो प्रोनाउंसिएशन करेगा वो करेक्टली करेगा। लेकिन अगर किसी भी वजह से, वजह आगे चल के मैं आपको बताऊंगी कि वजूहत क्या हो सकती है, क्या रीजन हो सकती है, क्या कॉजेज हो सकते हैं कि बच्चा जो है नॉर्मली साउंड्स को जो है वो पिक नहीं कर पाता, या उसमें वो साउंड जो है एक्विजिशन हो नहीं पाती, उसकी रीजन क्या है, वो आगे चल के मैं आपको आपसे डिस्कस करूंगी। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे लैंग्वेज की, तो हर लैंग्वेज के अपने जो है साउंड्स लेटर होते हैं, हरूफ तहजी होते हैं, जिसकी वजह से इन साउंड्स की कम्बिनेशन से वर्ड्स जो है वो क्रिएट होते हैं। ठीक है, तो जो फोनोलॉजिकल प्रोसेस होता है, यानी कि जो फोनिक्स होते हैं, जो साउंड्स होते हैं, वो द यूज ऑफ द साउंड्स, ठीक है, ऑफ वंस लैंग्वेज स्पोकन एंड रिटन, यही साउंड जो है हम बोलने में और फिर आगे चल के उसको रिटन में भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्या है, ये फोनोलॉजी है, फोनिक्स है, जिसको हम बोलते भी हैं और इसी साउंड्स को फिर जो है वो रिटन में भी लेके आते हैं। तो इम्पॉर्टेंट फॉर द स्पीच प्रोडक्शन एंड रिटन, बच्चे के लिए जरूरी है, यानी कि बोलने के लिए और लिखने के लिए जरूरी है कि बच्चा जो है लैंग्वेज के जो कमांड्स है उसको फॉलो करे। यानी बच्चा जब तक अंडरस्टैंड नहीं करेगा, जब तक उन साउंड को अंडरस्टैंड नहीं करेगा, लफ्जों को अंडरस्टैंड नहीं करेगा, वो रिटन पे नहीं आएगा। तो सबसे पहले बच्चे का जो है स्पोकन, जब तक बच्चा बोलेगा, फिर आगे जाके जो है ना उसको रिटन में लेके आएगा, मतलब लिखेगा। ठीक है, फिर उसके बाद जो है अब हमने ये देखना है कि फोनोलॉजिकल के प्रोसेस क्या होते हैं, मतलब किस तरह जो है ये साउंड जो है बच्चे में डेवलप होती है। तो फोनोलॉजिकल एक तो है अवेयरनेस, यानी कि फोनिक्स की जो अवेयरनेस है, जब तक साउंड की अवेयरनेस नहीं होगी, बच्चे को जो है उस साउंड को वर्ड्स में इस्तेमाल करना नहीं आएगा। ठीक है, तो अवेयरनेस और साउंड में जो है उसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल कि बच्चा जो है पैट बैट मैट, आप क्या है, पैट बैट मैट, प ब
मा, ठीक है, ये तीन डिफरेंट साउंड है, ठीक है। अगर मैं ये वर्ड्स प्रोनाउंस कर रही हूं, पैट मैट बैट, ठीक है, जो कि इसका जो टोन है एक जैसी है, लेकिन इन तीनों में जो जो डिफरेंस आ रहा है वो एक साउंड एरर, एक साउंड की वजह से आ रहा है, यानी कि पैट में पी, ठीक है, प, और बैट में ब, बी, ठीक है, और मैट में म, ठीक है। तो ये इन साउंड्स की वजह से वर्ड्स की मीनिंग भी चेंज हो जाते हैं, ठीक है, यानी कि सिर्फ एक साउंड की वजह से जो वर्ड्स है उसकी मीनिंग चेंज हो जाते हैं। जब तक बच्चे को इन साउंड्स के अवेयरनेस नहीं होगी, तक तब तक जो है बच्चे को जो वर्ड्स है उसकी प्रोडक्शन जो है वो प्रॉपर वे में नहीं होगी, ठीक है, यानी कि बच्चे के साउंड से मुतालिक जो है वो अवेयरनेस जरूरी है। फिर उसके बाद आता है फोनोलॉजिकल वर्किंग मेमोरी, फोनोलॉजिकल वर्किंग मेमोरी, यानी कि आपके मेमोरी में जो साउंड्स अगर राइटली, यानी कि राइट प्रोडक्शन ऑफ साउंड जो है वो स्टोर हो जाते हैं, और फिर बच्चा जो है अगर सही तरह उसकी मेमोराइजेशन यानी कि मेमोरी में जाके फिट हो जाते हैं तो उसके लिए रिकॉल करना आसान हो जाता है, ठीक है। जो थर्ड वर्ड है वो क्या है, फोनोलॉजिकल रिट्रीवल, रिट्रीवल मतलब रिकॉल, यानी कि जब ये साउंड की अवेयरनेस हो जाए, उसकी स्टोरेशन हो जाए, यानी कि ये साउंड ब्रेन में जाके स्टोर हो जाए, जो थर्ड हमारा जो प्रोसेस होगा वो क्या होगा, रिकॉल, यानी कि जब बच्चा ये दोनों प्रोसेस से गुजर जाएगा तो उसको रिकॉल करने में आसानी होगी। जब इसके ये साउंड जो है सही तरह ब्रेन में जाके स्टोर हो गए तो अब उसको कोई फिर डिफिकल्टी नहीं होगी कि उसको रिकॉल करे, तो वो सिचुएशनली इन आवाजों को आसानी के साथ जो है वो रिकॉल कर सकता है। अच्छा, अब हम आते हैं फोनोलॉजिकल डिसऑर्डर पे। तो फोनोलॉजिकल डिसऑर्डर है क्या, यानी कि जैसे बच्चा अगर एक खास उम्र तक पहुंच के भी वो सही तरह से लफ्जों की अदायगी नहीं करता, यानी कि उसमें साउंड एरर बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली कर रहा है, जैसे आप क्या नाम है कोई लफ्ज, जैसे मैंने आपको बताया काफ, हमारे यहाँ जो उर्दू लैंग्वेज में काफ जो है बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल होता है, ठीक है, कौन, क्या, कहाँ, क्यों, ठीक है, इस तरह के जो वो है लफ्ज है वो काफ से हमारे यहाँ ज्यादा काफ का इस्तेमाल होता है। तो बच्चा जो है अगर काफ को सही तरह से इस्तेमाल नहीं करेगा या गाफ को सही तरह से इस्तेमाल नहीं करेगा तो इसका मतलब है कि बच्चे में तोतलापन आ गया है, वो तुतला के जो है वो बात कर रहा है, ठीक है। अब जो है फोनोलॉजिकल डिसऑर्डर का मतलब ये है कि बच्चा अपने एज के मुताबिक वो खास आवाजें जो है या अल्फाज जो है वो इस्तेमाल नहीं करता जो कि इस एज में दूसरे बच्चे करते हैं, ठीक है, यानी कि हम इन बच्चों को दूसरे बच्चों से कंपेयर करेंगे उसकी एज ग्रुप के बच्चे से, कि अगर इस एज का बच्चा जो है ये आवाजें निकाल रहा है, ये आवाजें उन अल्फाज में बोल रहा है और ये बच्चा नहीं बोल रहा, तो इसका मतलब है कि वो इन बच्चों से अपने स्पीच में जो है वो पीछे है, ठीक है, यानी कि उसकी जो क्लैरिटी है, जो सफाई है, वो अपने इसी एज ग्रुप के बच्चों से वो पीछे जा रहा है। तो अब हमने ये देखना है कि किस उम्र में, वो कौन सी उम्र है जिसमें बच्चों को ये आवाजें सीख लेनी चाहिए, ठीक है। तो आपको मैं वो बताऊंगी, एजेस बताऊंगी और उसमें जो है वो साउंड बताऊंगी कि इस एज में बच्चों को ये आवाजें बोल लेनी चाहिए, ठीक है। तो अब तो बच्चा जो कि जो सिंगल वर्ड्स बोलता है, ठीक है, वो एक साल में, कोई बच्चे होते हैं कि 9 मंथ में भी बोल लेते हैं सिंगल वर्ड्स, लेकिन ये कि जो नॉर्मल वो होता है स्टैंडर्ड होता है सिंगल वर्ड्स का, जैसे मैंने आपको पहले वाले सेशन में बताया कि सिंगल वर्ड्स बच्चे को साल सवा साल में बोल लेना चाहिए, ठीक है। अब बच्चे जब ये आवाजें सही तरह से बोलेंगे तो इनको अल्फाजों में इस्तेमाल करेंगे। अब ये आवाजें किस उम्र में जो है डेवलप हो जानी चाहिए, तो ये उम्र यानी कि अगर हम देखें 1 से 2 साल, 1 से 2 साल में जो आवाजें बच्चों को आनी चाहिए, जो बोलनी चाहिए, उसमें मैं उर्दू साउंड्स की बात यहाँ पे करूंगी। तो जो कि हमारे साउंड जो है ना, जो इंग्लिश लैंग्वेज को अगर हम देखें तो उसमें हमारा काफी डिफरेंस है, क्योंकि कुछ साउंड्स हमारे यहाँ ऐसे होते हैं जो बच्चे बहुत जल्दी पिक कर लेते हैं, और जो जो इंग्लिश साउंड के यानी जो इंग्लिश क्लास के बच्चे होते हैं यानी कि दूसरे ममालिकों के, कुछ साउंड ऐसे होते हैं जो कि हमारे यहाँ जो है ना अर्ली बोले जाते हैं और उनके यहाँ लेटर,
एज में जो है बोले जाते हैं। तो लिहाजा मैं उर्दू साउंड्स को, यानी कि हमारे जो हरूफ तहज्जी है उसको मैं डिस्कस करूंगी कि उसकी वजह यह है कि हमारे जो हरूफ तहज्जी हैं, कुछ ऐसे हरूफ तहज्जी हैं जो कि इंग्लिश में नहीं है, ठीक है। जैसे इंग्लिश में जो ना जो ख साउंड है, ख जैसे खान, ख की साउंड जो है इंग्लिश में नहीं है। गैन, गैन की साउंड जो है इंग्लिश में नहीं है, ठीक है। इसके अलावा जो है जो रे है, रड़ा की साउंड जो है वो इंग्लिश में नहीं है। तो इस तरह के कुछ और साउंड है जो कि इंग्लिश में नहीं है। जब अगर काफ को देखें, काफ से कैंची, काफ की साउंड जो है वो भी इंग्लिश में नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैंने जो उर्दू साउंड से जो हरूफ है उसी को मैंने जो है फोकस किया है। तो म साउंड है, ब साउंड है, प साउंड है, त साउंड है। ये साउंड बच्चे को 1 से 2 साल में बोल लेना चाहिए। फिर है दो से तीन साल में बच्चे को द, द साउंड, त साउंड, ठीक है, ल साउंड और जो वा और ना, ये साउंड बच्चे को 3 साल की उम्र में बोल लेना चाहिए। फिर है 3 से 4 साल, 3 से 4 साल में बच्चा जो है काफ है, गाफ है, ये है, सीन है और चे है, जीम है, ये आवाजें जो है बच्चे को 4 साल की उम्र में बोल लेना चाहिए। और जो 4 से 5 साल की उम्र है उसमें जे, यानी के ज्वात है, जे है, टे है, डाल है, खे है, हे है, और इसके अलावा जो ना शीन है, काफ है, फे है, रे है, रे है, ठीक है। तो हमने एज को देखना होता है कि अगर बच्चा जो है 3 साल में जो है वो माँ नहीं बोल सकता, या बा नहीं बोल सकता, या ता नहीं बोल सकता, ला नहीं बोल सकता, तो इसका मतलब ये है कि वो अपने एज के अकॉर्डिंगली जो है उसके साउंड जो है वो डेवलप नहीं हो पा रहे। लेकिन 5 साल से मैक्सिममली जो एज होती है साउंड की वो 7 ईयर होती है, यानी कि 7 साल होती है। अगर 7 साल के बाद भी जो है बच्चा ये आवाजों में जो है प्रॉब्लम करता है तो उसको फिर हम डिसऑर्डर में मतलब काउंट करते हैं। लेकिन अगर इससे पहले ही एज में है तो वो डिसऑर्डर नहीं होगा, मतलब वो ये होगा कि वो एरर कर रहा है, मतलब उसको सही तरह से जो है वो प्लेसमेंट का नहीं पता, वो सही तरह उसकी प्रोग्रेस नहीं करी। हो सकता है कि आगे चल के 5 से 7 साल में जो है ना वो उन आवाजों को जो है वो अचीव कर सकता है। लेकिन बेहतर तरीका ये है कि आप जो है किसी स्पीच थेरेपिस्ट को या स्पेशलिस्ट, स्पीच स्पेशलिस्ट को जो है आप वो कॉन्टेक्ट करें, उनसे असिसमेंट करवाएं, उनसे चेकअप करवाएं, ताकि आगे जो है वो रिस्क ना लें। मतलब अगर आप ये सोचें, जैसे मैंने आपको बताया कि बच्चे जो है ना अचीव कर लेते हैं, लेकिन ये जरूरी तो नहीं कि हर बच्चा जो है वो अचीव कर लेगा। इसलिए कि मैं भी जो है ना कुछ बच्चों का जो है मसल वीकनेसेस हो, ठीक है, या कुछ ऐसा हो सकता है कि टंग टाई हो, जैसे अक्सर पेरेंट्स को नहीं पता होता, जैसे पेरेंट्स इस फील्ड में इतने वो ट्रेन नहीं होते, तो लिहाजा जो इस फील्ड का स्पेशलिस्ट होता है आपने उनसे जो ना एक ओपिनियन लें कि क्या जो ना उनसे प्रॉपर वे में असेसमेंट करवाएं। तो असेसमेंट का जो तरीका होता है, यानी असेसमेंट हमें ये बताता है कि आया बच्चे को स्पीच थेरेपी की जरूरत है या नहीं है। तो लिहाजा एक रिस्क लेने से बेहतर ये है कि आप जो है स्पीच थेरेपिस्ट से जो है कंसल्ट करें और पूरे जो ना असेसमेंट करवाएं, तो उसमें जो है बच्चे का प्रॉपरली पता चल जाएगा कि बच्चे के साथ प्रॉब्लम है या नहीं है, ठीक है। तो अब हम जो है अपना जो दूसरे मेरा है जो प्रॉब्लम, यानी कि सॉरी जो कॉजेज है, यानी जो रीजन है कि ये बच्चे जो है ना साउंड एरर क्यों करते हैं या क्लैरिटी के साथ जो है वो क्यों बात नहीं करते हैं, तो उसके जो है कई रीजन हो सकती है। एक तो फंक्शनल कॉजेज हो सकता है, फंक्शनल कॉजेज जैसे मैंने आपको शुरू में बताया जो पेरेंट्स होते हैं कि बच्चा जो है तुतला के जब बात करता है तो पेरेंट्स उसी की नकल में जो है वो बात करते हैं, तो ये क्या है, ये फंक्शनल कॉजेज हो सकते हैं कि आप बच्चे को उसी की लैंग्वेज में जो है उसको
मतलब वो करते हैं, बात करते हैं, तो ये फंक्शनल कॉज हो सकता है। फिर ऑर्गेनिक कॉज, ऑर्गन क्या है, हमारे जितने भी ऑर्गन है, चाहे लिप्स है, चाहे टीथ है, चाहे टंग है, मतलब जो जिससे हम ये बोलते हैं, ये हमारा स्पीच मैकेनिज्म होता है, इसके थ्रू हम बात करते हैं, तो ये हमारा ऑर्गन कहलाता है। अगर इसमें कोई ऑर्गन में कोई प्रॉब्लम होगा, तो प्रॉब्लम क्या हो सकता है, किसी का जो होंठ है कटा हुआ होता है, तालू जो है वो कटा हुआ हो सकता है, या फिर जो है टंग का कोई मसला हो सकता है, टंग जो है बहुत ज्यादा लार्ज साइज में हो सकती है, ठीक है, तो ये जो है ऑर्गेनिक का हो सकते हैं, कॉज हो सकते हैं, जिसकी वजह से बच्चा जो है साउंड की जो प्रोडक्शन है वो मतलब प्रॉपर वे में नहीं कर रहा। फिर जो दूसरा जो कॉज हो सकता है वो मसल्स प्रॉब्लम हो सकता है। मसल्स क्या है, बजाहिर तो बच्चे के जो है ये आप जो स्पीच मैकेनिज्म है आपको सही नजर आ रहा है, अब मसल्स प्रॉब्लम क्या हो सकता है कि बच्चे के होंठ खुले रहना, टाइम के साथ साथ होंठों में जो है स्ट्रेंथनेस यानी पट्टों की जो मजबूती होती है टाइम के साथ साथ डेवलप होती है, तो बच्चों का जो ना जो होंठ होते हैं वो क्लोज होना शुरू हो जाते हैं, बंद होते हैं। जब हम बात नहीं करते तो हमारे जो होंठ है जो लिप्स है उसको क्लोज होना है, ठीक है। अगर किसी का जो है मुंह खुला हुआ है तो इसका मतलब है कि मसल वीकनेसेस है, जबान बाहर की तरफ निकली हुई है, मसल वीकनेसेस है, यानी कि उसको अपने इस मसल पे जो है वो कंट्रोल नहीं है, तो ये मसल वीकनेसेस हो सकती है। मसल वीकनेसेस किसी भी फॉर्म में हो सकती है, जरूरी नहीं है कि मुंह खुला रहना जो है सिर्फ यही मसल वीकनेसेस है, ये भी हो सकता है कि मसल की स्ट्रेंथनेस, ठीक है, उसकी मूवमेंट कि वो सही तरह से जो होंठों को मूव नहीं कर पा रहा, यानी कि मुझे अगर ओ या ब्लो करना है, ठीक है, मैं अगर राउंड शेप नहीं बनाऊंगी, ठीक है, तो मैं सही तरह से जो ना ब्लो नहीं करूंगी, ठीक है, मैं अगर जो ना ई साउंड निकाल ली, ई अगर मेरे लिप्स रिट्रैक्ट नहीं होंगे तो मैं सही तरह ई की साउंड नहीं निकालूंगी, तो ये क्या है, ये मूवमेंट है, मेरे लिप्स की मूवमेंट, मेरे टंग की मूवमेंट, अगर मेरी टंग ऊपर नहीं उठ रही तो ये क्या है, ये मूवमेंट है, तो इसका मतलब है कि जबान की मूवमेंट में प्रॉब्लम है, ठीक है, ये मूवमेंट है, ये सारी क्या है, ये टंग की मूवमेंट है। जब हम खाना खा रहे होते हैं, खाना चबाते हैं, तो देखे हमारी जबान पूरे मुंह के अंदर जो है मूव कर रही होती है, तो ये सारा हमारा जॉ, ठीक है, इसमें मूवमेंट होती है, लिप्स में मूवमेंट होती है, टंग में मूवमेंट होती है, चीक्स में देखे मूवमेंट होती है, मैं बोल रही हूँ आप देखे मेरे चीक्स में जो है ना मूवमेंट जो है ना आप देख रहे होंगे, मेरे लिप्स में मूवमेंट देख रहे होंगे, टंग भी जो है मेरे ऊपर नीचे जा रही है, ये क्या है, ये मूवमेंट है। अगर बच्चे के इस स्पीच ऑर्गन में मूवमेंट में प्रॉब्लम है तो इसका मतलब है कि उसको साउंड की प्रोडक्शन का प्रॉब्लम होगा। फिर उसके बाद जो दूसरी कॉज आ सकती है, हियरिंग इम्पेयरमेंट, यानी कि कुछ बच्चे होते हैं, हियरिंग इम्पेयरमेंट पे मैंने सेशन किया था, वो तो खैर एक डिसऑर्डर है। हियरिंग इम्पेयरमेंट जो है, अगर किसी को माइल्ड लेवल पे अगर हियरिंग का प्रॉब्लम होता है, जो माइल्ड लेवल पे जो हियरिंग का प्रॉब्लम होता है वो ऑलमोस्ट जो है इतना विजिबल नहीं होता, ठीक है, जो कि बच्चा जो है ना आसानी के साथ जो है तकरीबन चीजों को कैच कर लेते हैं, लेकिन वो साउंड एरर करता है, इसलिए कि उसको कुछ हाई फ्रिक्वेंसी साउंड, ठीक है, वो सुनाई सही तरह नहीं देती, साफ तौर पे उसको वो आवाजें कान में नहीं जा रही होती है, जिसकी वजह से वो प्रोडक्शन जब करेगा बोलेगा तो वो उसको एरर के तौर पे ही बोलेगा, तो हियरिंग इम्पेयरमेंट पे जो है एक साउंड वो हो सकता है, फैक्टर हो सकता है, कॉज इसका रीजन हो सकती है, ठीक है। फिर है इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम, यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम अगर माइल्ड लेवल पे है, मॉडरेट लेवल पे है, तब भी बच्चों के साथ जो है साउंड एरर का प्रॉब्लम हो सकता है, बल्कि होता है, माइल्ड लेवल पे जो है उनके ये फोनिक के इश्यूज या आर्टिकुलेशन का प्रॉब्लम जो है, इंटेलेक्चुअल जो बच्चे होते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम के जो बच्चे होते हैं उनके साथ भी जो है ना ये आर्टिकुलेशन का प्रॉब्लम होता है। फिर जो लास्ट वन जो कॉज है वो है जेनेटिक, यानी कि जेनेटिक जो है तकरीबन हमारे हर सेशन में जो है ना इसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अगर आपके फैमिली में है कोई प्रॉब्लम तो वो आगे चल के आपके बच्चों में भी ट्रांसफर हो सकता है, जैसे अभी जो लास्ट मैंने सेशन किया था स्टटरिंग पे,
तो स्टटरिंग भी जैसे जेनेटिक में अगर किसी की फैमिली में जो है स्टटरिंग का इश्यू था तो बच्चों में कन्वर्ट हो जाती है स्टटरिंग। इसी तरह से अगर हम उसकी बात करें कि बच्चा जो है ना अनक्लियर वे में बात करता है तो हो सकता है कि फैमिली में जो है मदर में या फादर में या उनके कोई पुप्पो चचा जैसे अक्सर जो फैमिलीज आती हैं वो ये रिपोर्ट करते हैं कि इनके चाचू भी लेट बोले थे तो वो क्लियर नहीं बोल रहे थे, टाइम के साथ साथ क्लियर बोल रहे हैं, या मतलब जो भी रीजन थी तो क्या थे, वो जेनेटिकली था। तो एक जेनेटिक पे जो है एक फैक्टर हो सकता है फोनोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का। ठीक है, फिर हम आते हैं आर्टिकुलेशन डेवलपमेंट। आर्टिकुलेशन क्या है? आर्टिकुलेशन हमारे लिप्स, टीथ, टंग, चीक्स, नोज, युवेला, कौवा जिसे कहते हैं, जैसे आपके हलक में जो एक कौवा सा लटक रहा होता है, ठीक है, युवेला उसको कहलाते हैं। हार्ड पैलेट है, पीछे जो है ना सॉफ्ट पैलेट है, यानी कि तालू जिसे कहते हैं। तो ये हमारे सब क्या है, ये इसको हम आर्टिकुलेटर बोलते हैं। ठीक है, आप बच्चों की जो आर्टिकुलेटर की डेवलपमेंट होती है एज के साथ, बच्चा जब दुनिया में आता है तो फौरन जो है वो टंग की मूवमेंट शुरू नहीं हो जाती, यानी टंग जो है ना शुरू में बेसुध पड़ी रहती है, यानी कि 1 से 3 माह में अगर देखें तो बच्चा जो है जो मिल्क सकिंग करता है। ठीक है, इससे क्या है, जब उसको ये प्रोवाइड किया जाता है, ये फूड प्रोवाइड किया जाता है, यानी कि ये बच्चे को एक अपॉर्चुनिटी मिली। ठीक है, अब इसमें क्या है, जब वो सक करता है तो इसमें लिप और ये जो टंग है इसका रोल जो है वो शुरू हो जाता है। ठीक है, जब सकिंग करता है तो टंग जो है वो की मूवमेंट शुरू हो जाती है, लिप्स जो है ना क्लोज होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, जब दोनों लिप्स क्लोज होना शुरू हो जाते हैं तो आगे चल के अगर आप देखें कि 4 से 6 महीने में बच्चा जो बैबलिंग करता है, बब बब बब्बा मम्मा मम्मा, ये क्या है, ये लिप्स से कर रहा होता है। ठीक है, इसलिए कि ये लिप्स के जो है उसके जो मसल्स होते हैं उसमें स्ट्रेंथनेस यानी कि जो मसल है उसमें मजबूती आना शुरू हो जाती है, तो वो अपने इस लिप्स का जो है वो इस्तेमाल करना शुरू करता है, तो वो साउंड की शक्ल में आते हैं मामा बब्बा पप्पा। ये क्या है कि ये लिप्स से अदा होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम देखें 4 से 6 माह में, 4 से 6 माह में जो है बच्चे की जबान और होंठ की हरकत में जो है मुसलसल आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इजाफा होता चला जाता है और वो इस काबिल हो जाता है कि वो जो 3 मंथ्स में, ये पैदाइश से लेके 3 मंथ्स तक जो वो मुख्तलिफ आवाजें निकाल रहा था, जैसे वॉवल साउंड निकाल रहा था आ ए ओ आ या गा या गु, जो इस तरह की हलक से जो आवाजें निकाले जाते हैं 3 मंथ्स तक, जो 3 से 4 मंथ्स तक वो वॉवल्स लाइक साउंड कहलाता है। ठीक है, फिर जब ये बच्चों की लिप्स में, टंग में, इसमें जो है मूवमेंट शुरू हो जाती है तो इसमें जो कॉन्सोनेंट साउंड है जैसे प ब म, ठीक है, ये जब मूवमेंट शुरू हो जाती है तो बच्चा तभी जो है ये आवाजें निकालना शुरू करता है, और ये आवाजें जो है 4 से 6 माह में बच्चा शुरू कर देता है क्योंकि वो इस काबिल हो जाता है, यानी कि उसके होंठ और उसके जो जबान है वो इस काबिल हो जाते हैं कि वो इन आवाजों को वो जो है बोलना शुरू कर देता है। और इसी एज में अगर आप देखें तो बच्चा जो है केला खाना शुरू कर देता है मैश करके, आप जो है ना जो फिंगर से आप केला मैश करते हैं वो खिलाना शुरू करते हैं, दलिया जो है खिलाना शुरू करते हैं, साबुदाना वगैरह है जो लिक्विड फॉर्म में होता है वो देना आपने मतलब 6 मंथ में बच्चों को आहिस्ता आहिस्ता देना शुरू कर देते हैं। फिर है 7 to 9 month, 7 to 9 month में जो है बच्चा कब से पानी पीता है, ठीक है, फीडर हट के पहले वो फीडर से मतलब मिल्क पीता है, पानी पीता है, ठीक है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो जो है कब से पानी पीना शुरू करता है। बास पेरेंट जो है वो 9 मंथ से ही बच्चों को जो है शोरबा में रोटी जो है मैश करके उसको छोटा छोटा जो है बाइट देना शुरू कर देते हैं। ठीक है, और उसमें जो है थोड़ा मतलब आहिस्ता आहिस्ता जो रोटी है उसको च्विंग करना, यानी कि चबाने की जो सलाहियत होती है वो शुरू हो जाती है। फिर 10 से 12 मंथ में बच्चा जो है चबाने पे उसको कंट्रोल आ जाता है और होंठों के मसल्स में भी जो है उसकी इम्प्रूवमेंट हो जाती है, यानी कि उसकी मसल्स और ज्यादा जो है वो डेवलप हो जाते हैं और उसमें यानी कि एक कस्म की मजबूती आ जाती है। साथ साथ बच्चा जो है फिर कप को भी जो है उसकी मोटर फंक्शनिंग जो होती है उसमें भी बेहतरी आ जाती है, यानी कि वो कप को दोनों हाथों से पकड़ने की उसमें सलाहियत आ जाती है।
फिर अगर हम एक साल की बात करें तो एक साल में जो है जो जॉ है इसको जॉ बोलते हैं, जॉ की स्टेबिलिटी जो है वो डेवलप हो जाती है, ठीक है। यानी कि जो मूवमेंट, जैसे मैं आपको बात कर रही थी जो आर्टिकुलेटर के बारे में बात कर रही थी कि जो हमारी लिप्स की मूवमेंट है, हमारे टंग की मूवमेंट है, ये चीक्स है, अब यह कि जब तक इसमें मूवमेंट नहीं आएगी तब तक जो है स्पीच प्रोडक्शन जो है वो सही तरह से नहीं होगी। तो जो मूवमेंट है जो है उसमें टाइम के साथ साथ, यानी बच्चा जब एक साल का होता है तो इन मूवमेंट में यानी पट्ठों में जो है मजबूती आनी शुरू हो जाती है, यानी कि मूवमेंट में बेहतरी आनी शुरू हो जाती है। पट्ठे मजबूती का मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल एक बड़े इंसान की तरह या एक अडल्ट की तरह जो है उसका ये जो स्पीच ऑर्गन होते हैं वो मश्योर हो जाते हैं, नहीं। यानी कि एज के साथ साथ पहले वो चबा नहीं सकता था, जैसे जैसे उसकी एज बढ़ रही है तो उसकी में जो है चबाने की सलाहियत बेहतर हो जाती है, क्योंकि वो खाने पीने से जो है ना उसके होंठों के मसल, उसके टंग के, उसके चीज के इस मसल में जो है वो मतलब वो डेवलप प्रॉपर वे में होना शुरू हो जाती है। अच्छा, अब हम आते हैं आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर। अभी मैंने आपको डेवलपमेंट की बात की कि एज वाइज जो है हमारे ये आर्टिकुलेटर या जो स्पीच ऑर्गन है ये कैसे जो है वो डेवलप होते हैं। अब हम बात करते हैं आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर की। तो लिप्स, जॉ, टीथ, टंग है, हार्ट पैलेट, सॉफ्ट पैलेट, जैसे मैंने अभी आपको बताया, यूबेला, ठीक है, चीक्स है, नोज है, गम है, हमारे जो मसूड़े हैं, ये सारे हमारे आर्टिकुलेटर कहलाते हैं। अगर इन सब में किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो, उनकी हरकत में कोई मसला हो तो ये इसको कहते हैं आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर, ठीक है। अब फोनोलॉजिकल डिसऑर्डर क्या है, ठीक है, आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर हो या फोनोलॉजिकल डिसऑर्डर हो, दोनों को तकरीबन एक साथ ही मतलब इस्तेमाल होते हैं ये लफ्ज, जो कि जो साउंड का ताल्लुक होता है आपके स्पीच ऑर्गन से होता है, ठीक है। यानी कि हमने ये दो चीजें देखनी है कि बच्चा अगर साउंड सही तरह से अदा नहीं कर रहा तो क्या ये, जैसे मैंने आपको ये रीजन बताए थे कि मसल्स का प्रॉब्लम है, ऑर्गेनिक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम हम पहले देखेंगे कि क्या इसके आर्टिकुलेटर में प्रॉब्लम है या लिप का शेप सही तरह नहीं बन रहा, टंग की मूवमेंट राइट साइड लेफ्ट साइड ऊपर लगाना नीचे लेके आना, जबान निकालना, लेटराइजेशन करना, अगर ये सही तरह से नहीं हो रहा तो इसका मतलब है कि आर्टिकुलेशन का प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये हमारे जो स्पीच ऑर्गन है अगर वो सही तरह से जो है वो उसकी मूवमेंट नहीं हो रही, उसकी फंक्शनिंग नहीं हो रही तो इट्स मीन कि ये आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर है। और अगर मैं फोनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की बात करूं तो अगर बच्चे के ये स्पीच ऑर्गन सही है, यानी लिप्स की मूवमेंट भी सही है, टंग की मूवमेंट भी सही है, चीक्स की मूवमेंट भी सही है, तालू भी जो है ना उसका बिल्कुल सही है, ठीक है, और टीथ भी जो है बिल्कुल मतलब सही है शेप में है, तो इसका मतलब ये है कि उसको फोनिक यानी साउंड की प्रोडक्शन में प्रॉब्लम हो रही है, यानी कि वो एक रॉन्ग वे में जो है साउंड की प्रोडक्शन कर रहा है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं फोनोलॉजिकल डिसऑर्डर, यानी कि जो हमारे हरूफी ताज्जी है, जैसे मैंने शुरू में आपको बताया था कि हर लैंग्वेज के अपने साउंड लेटर होते हैं, हरूफ होते हैं, तो अगर इन हरूफ की अदायगी में बच्चों को प्रॉब्लम होती है तो इसका मतलब है कि उसको फोनोलॉजिकल प्रॉब्लम है। लेकिन ये जो प्रॉब्लम होगी ये हमने एज को देखते हुए कहना है कि ये प्रॉब्लम है, लेकिन अगर वो अंडर एज है मतलब कि अभी उसकी वो डेवलपमेंट हो रही है तो इसका मतलब कि प्रॉब्लम नहीं हो रही है, प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि आगे चल के जो है अभी उसको वो एज ही नहीं है वो साउंड डेवलपमेंट की। कुछ पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चे से मुतालिक बड़े वो होते हैं, कंसर्न होते हैं कि बच्चा जो है 4 साल का होता है वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि वो 100% जो है ना क्लियर वे में बात करते करे, मतलब उनकी एक्सपेक्टेशन इतनी हाई होती है। कुछ पेरेंट्स होते हैं कि बच्चा 12 साल का हो जाता है और फिर भी वो क्लियर वे में बात नहीं करता, लेकिन उनको परवाह ही नहीं होती जब दूसरे बच्चे उस पर हंसते हैं, बल्कि इवन के जब वो कॉलेज लेवल पे पहुंचता है बच्चा या यूनिवर्सिटी लेवल पे पहुंचता है तो बच्चे को उसको खुद एहसास होता है कि मुझ पे मजाक उड़ाया जा रहा है, मेरे दोस्त जो है ना मेरी नकल उतारते हैं, ठीक है, तो तब जाके जो है वो घर में आके फिर कंप्लेन करते हैं, मेरे मजाक उड़ाते हैं, मुझे नहीं जाना है, स्कूल नहीं जाना, कॉलेज नहीं जाना, या फिर जो है उनके साइकोलॉजिकल इश्यूज शुरू हो जाते हैं। तो ऐसी सूरत में जो है क्या करना है कि जो है ये जो मैं आपको बात बता रही थी
कि ये साउंड है जो कि बचपन में जो है वो सही तरह से अदा नहीं किया और आगे चल के अडल्ट लाइफ में जो है वो इस प्रॉब्लम को फेस कर रहा है। ठीक है, तो मैं फोनोलॉजिकल डिसऑर्डर की बात कर रही थी कि इसी में जो है हमने एज को देखना है कि जो बच्चा है जो एरर कर रहा है क्या वो अपनी एज अप्रोप्रिएट है या उस साउंड की जो एज है वो गुजर गई है, तो हमने वो जो है एज देखना है। ठीक है, तो अब जैसे फोनोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या हो सकता है कि बच्चा जो है मिसाल के तौर पे जैसे आपको शुरू में बताया कि काफ साउंड की जगह वो ता का इस्तेमाल करता है या शीन की जगह वो सीन करता है या जो है शीन की जगह वो चे करता है या रे की जगह वो लाम करता है, जैसे रे से जो है ना स्टार्टिंग वर्ड्स है रोटी तो वो बोलेगा लोटी लोटी, यानी कि लाम को वो जो है प्रोनाउंस कर रहा है रे के बजाय, या जैसे मैंने आपको बताया केले की जगह वो बोला है तेला। ठीक है, या फिर जो है दानिश नाम है वो बोला है दानिस दानिस। ठीक है, यानी शीन को जो है उसने सीन की जगह जो है वो सब्स्टिट्यूट किया। ठीक है, तो ये इस तरह के जो फोनोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है ये फोनोलॉजिकल डिसऑर्डर कहा जाता है, तो ये हमारे फोनिक्स एरर कहलाते हैं। ठीक है, जो अमूमन बच्चा स्कूल एज में कर रहा होता है। ठीक है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली करते हैं, देखिए अगर इक्का दुक्का साउंड है जैसे सिर्फ जो है ना एक साउंड का एरर है तो वो इतना ज्यादा प्रॉब्लम मतलब मैटर नहीं करता। हाँ, लेकिन अगर उसके मल्टीपल वो है एरर्स है मल्टीपल वो है साउंड एरर है तो इट्स मीन का उसका प्रॉब्लम है, यानी कि बच्चे के जितने ज्यादा साउंड एरर होंगे उतना ही जो है ना उसकी सीवियरिटी लेवल जो है वो बढ़ेगी और जितना कम उसके साउंड एरर होंगे उतनी उसकी क्लैरिटी जो है दूसरों को नजर आएगी। तो फोनोलॉजिकल डिसऑर्डर जो है वो क्या है कि ये एक इनएबिलिटी है जो कि साउंड्स को कंबाइन नहीं करते। ठीक है, जैसे शुरू में मैंने आपको बताया कि जो लफ्ज बिल्ली है तो उसमें तीन साउंड है, ब है, ल है और ई है। ठीक है, छोटी ये जिसे हम कहते हैं, अगर ये तीनों अल्फाज वो सही तरह से कंबाइन नहीं कर रहा तो इसका मतलब ये है कि उसको फोनोलॉजिकल का प्रॉब्लम है। ठीक है, और जो आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर है तो इसका मतलब है कि उसको अपने स्पीच ऑर्गन पे कंट्रोल नहीं है। ठीक है, और उसकी रीजन मैंने आपको बता दी थी कि मसल्स का प्रॉब्लम हो सकता है या ऑर्गन का भी प्रॉब्लम हो सकता है, तो ये सब चीजें हमने जो है देखना है। तो फोनोलॉजिकल और आर्टिकुलेशन दोनों को जो है हमने देखना है। सही, तो आर्टिकुलेशन में जो है मसल्स की हो सकती है, ऑर्गेनिक हो सकता है, ये भी हमने डिफाइन कर दिया। अब हम आते हैं टाइप्स पे, टाइप्स क्या हो सकती है, यानी कि अगर बच्चा हमारे पास फोनोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के साथ आ रहा है या आर्टिकुलेशन प्रॉब्लम के साथ आ रहा है तो हमने ये देखना है कि बच्चा किस टाइप के साउंड एरर कर रहा है। ठीक है, यानी कि वो सब्स्टिट्यूशन कर रहा है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये कि एक साउंड की जगह वो दूसरे साउंड का इस्तेमाल करता है, जैसे बच्चा जो है शेर है तो वो बोलता है चेर, यानी उसने शीन की जगह चे का इस्तेमाल किया, चेर। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बताया कि रोटी है तो वो बोलता है लोटी लोटी। ठीक है, या फिर अगर जो है जे नहीं बोलता, जैसे जीब्रा है तो वो बोलेगा जीब्रा जीब्रा। ठीक है, तो कोई भी साउंड जो है वो अपनी तरफ से वो उसको सब्स्टिट्यूट कर सकता है, तो हमने ये देखना है कि वो साउंड सब्स्टिट्यूशन कौन सा कर रहा है। ठीक है, ये सारे साउंड जो है हमने देखना है कि कौन कौन से साउंड की जो है वो सब्स्टिट्यूशन कर रहा है। फिर जो है ओमेशन, जो सेकंड टाइप है ओमेशन, ओमेशन का मतलब है कि किसी भी साउंड्स को जो है वो डिलीट कर देना। ठीक है, यानी गायब कर देना, एक अल्फाज में से एक हर्फ खा जाना, उसको डिलीट यानी ओमेशन कहलाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे जैसे टाइगर है तो टाइगर को बोलेगा आइगर आइगर, यानी ट को जो है उसने क्या किया, डिलीट कर दिया, वो आइगर बन गया आइगर बन गया। ये जो साउंड सब्स्टिट्यूशन या ओमेशन है ये बच्चा शुरू के लफ्ज में भी कर सकता है, यानी कि सब्स्टिट्यूशन शुरू में भी कर सकता है, सब्स्टिट्यूशन दरमियान के हर्फ में भी कर सकता है, सब्स्टिट्यूशन आखिर में भी कर सकता है। ठीक है, जैसे आखिर में मैंने आपको बताया कि जैसे बच्चे जूस को बोलते हैं जूश जूश, तो इसका मतलब यह है कि उसने जो शीन साउंड है
सीन से जो है आखिरी वाले हर्फ में वो कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है। इसी तरह आप उमेशन की हम बात कर रहे थे अभी, तो उमेशन भी जो है शुरू के अल्फाज में ही नहीं, ठीक है, शुरू के अल्फाज में भी हर्फ को डिलीट कर सकता है, दरमियान के हर्फ को भी डिलीट कर सकता है, या फिर आखिर के हर्फ को भी डिलीट कर सकता है। तो हमने इन सब टाइप्स को देखना है कि बच्चा जो है कौन कौन से साउंड्स एरर कर रहा है, ठीक है। तो उमेशन में जो है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि टाइगर में टी जो है शुरू में आ रहा था, तो उसने टे को जो है डिलीट कर दिया, आइगर कर दिया, ठीक है। या फिर आखिर का जो है, जैसे बच्चे सेब, अब सेब पे उसने क्या है से, तो लिप्स को क्लोज नहीं किया, से या एब एब एब, या शुरू में नहीं बोला, ठीक है। तो हमने देखना है कि शुरू का नहीं बोला, दरमियान का हर्फ नहीं बोला, या फिर आखिर का हर्फ नहीं बोला। फिर उसके बाद जो है, अब जैसे एक एग्जांपल और देती हूँ मैं आपको, जैसे लफ्ज है तरबूज, तरबूज, ठीक है। अब बच्चा इसमें क्या कर रहा है, जो आखिर का जो साउंड है ज, ज है, उसको बोला है तरबू, तरबू, तरबू। अब ज की साउंड नहीं आ रही, तो इसका मतलब ये कि उसने ज साउंड जो है वो ओमेट कर दिया, डिलीट कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद जो है हम आते हैं नेक्स्ट, जो हमारा वो है जो टाइप है वो है एडिशन। जो थर्ड टाइप है हमारा वो है एडिशन। एडिशन जैसे कि नाम से जाहिर हो रहा है, एडिशन का मतलब है कि किसी भी साउंड्स को ऐड करना, यानी अपने तरफ से बच्चा जो है किसी भी हर्फ को, यानी कि हर्फ को लफ्ज में ऐड कर देता है, ठीक है। जैसे जो है तकिया है, तकिया, बच्चा उसको बोलते हैं तक तिया, तक तिया, तो उसने जो लफ्ज ते है, यानी कि शुरू का जो ते था वो भी बोला, और जो बीच में है उसको भी अपनी तरफ से ते को ऐड कर दिया, ठीक है। तो यही एडिशन जो है वो शुरू में भी कर सकता है, दरमियान में भी कर सकता है, या फिर आखिर में भी कर सकता है। जैसे स्पिगेटी है, स्पिगेटी, तो वो बोल सकता है इस स्पिगेटी, इस, तो इस को, यानी कि ई साउंड या जो अलीफ जो जेर है उसको ऐड किया, ई स्पिगेटी कर दिया, तो ये एडिंग कहलाता है, यानी कि एडिशन कहलाता है। फिर उसके बाद जो फोर्थ टाइप है वो है डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन का मतलब ये है कि बच्चा जो लफ्ज है वो इतनी खराबी के साथ बोल रहा है कि वो हमें समझ में नहीं आ रहा, कि वो ना वो सब्स्टिट्यूट कर रहा है, ना वो एडिशन कर रहा है, ना वो उसको ओमेट कर रहा है, ओमेशन कर रहा है। अगर इन तीनों में से हमें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये है कि बच्चा डिस्टॉर्टेड वे में बात कर रहा है, यानी डिस्टॉर्शन कर रहा है, लफ्ज को डिस्टॉर्ट कर रहा है, तो ये इसको डिस्टॉर्शन कहते हैं, ठीक है। तो अब हम आते हैं, अच्छा, जैसे बच्चों में जो है आर्टिकुलेशन के प्रॉब्लम होते हैं, वैसे तो हम यहाँ पे बच्चों को डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं अडल्ट के बारे में भी जो है डिस्कस करूंगी, कि जो अडल्ट हैं उनमें भी जो है आर्टिकुलेशन के प्रॉब्लम आते हैं। आर्टिकुलेशन के प्रॉब्लम्स जो है किस वजह से आते हैं अडल्ट में, यानी कि जिन लोगों को स्ट्रोक हो जाए, फालिज काट है, फालिज हो गया, उसकी वजह से भी जो है ना उनको आर्टिकुलेशन का प्रॉब्लम आ सकता है, या फिर जो अल्जाइमर डिजीज है उसमें भी जो है जो लफ्जों की प्रोनाउंसिएशन है वो सही तरह से जो है वो अदा नहीं करते, यानी कि एक आम इंसान को जो है उनके वो लफ्ज जो है समझ में नहीं आते, या फिर जो जो प्रोग्रेसिव डिजनरेटिव डिजीज होते हैं, यानी कि जो टाइम के साथ साथ जो ब्रेन सेल होते हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, उसकी वजह से भी जो है आर्टिकुलेशन का प्रॉब्लम आ जाता है। और जो अगर हम अडल्ट में, यानी कि ओल्ड एज में देखें, तो ओल्ड एज में भी जो है जो अक्सर जो ज़ईफ लोग होते हैं जिनके दांत गिर जाते हैं, ये क्या है, ये हमारी बत्तीसी, यानी कि जो टीथ है
जब वो बुढ़ापे में, जाहिर सी बात है जब ये दांत नहीं रहते, तो आप अगर एक बूढ़े बंदे की स्पीच को सुनेंगे तो आप बहुत ही मतलब कंसंट्रेशन के साथ, बड़ी तवज्जो के साथ आप उनकी बात को सुनेंगे कि वो क्या क्या रहा है, ठीक है। इसलिए कि उनमें जो है वो सही तरह से वो प्रोडक्शन साउंड की नहीं हो पाती और हमें बड़े तवज्जो के साथ जो है उनको फोकस करना पड़ता है। तो जो ओल्ड एज फैक्टर है, जो एज फैक्टर है वो भी इसमें मैटर करता है। तो जिस तरह बच्चों में मैंने आपसे कहा कि आर्टिकुलेशन का प्रॉब्लम होता है, तो बड़ों में भी जो है आर्टिकुलेशन का प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तब ये आर्टिकुलेशन को जो है हमने यहाँ पे डिस्कस किया। अब है कि हम असेसमेंट असेसमेंट हम कैसे करते हैं। अच्छा, जो कि हमारा अभी जो है पार्टिसिपेंट को मुझे देखना है कि इनके कोई क्वेश्चंस हैं, तो जितना भी मैंने यहाँ पे अपने इस टॉपिक को डिस्कस किया है, फोनोलॉजिकल या आर्टिकुलेशन को, अगर इनका कोई वो है क्वेश्चन है तो हम क्वेश्चंस की तरफ आ जाते हैं ताकि मैं इनको प्रॉपरली जो है वो रिप्लाई करूँ। और अगर हमारे पास फिर टाइम बचता है तो हम फिर असेसमेंट एंड देन थेरेपी को जो है कंटिन्यू करेंगे। लेकिन मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा टाइम जो है हमारा काफ़ी होने जा रहा है, तो मे बी मैं फिर सेकंड जो हमारा जो सेशन होगा उसमें फिर मैं असेसमेंट और थेरेपी इन दोनों को फोकस करूंगी। अच्छा है, फिर मुझे ज़्यादा टाइम मिल जाएगा ताकि मैं आपको डिटेल में जो है इसके बारे में बताऊं। तो अगर आप लोग क्वेश्चन करें तो मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करूंगी, इसलिए कि मुझे खुशी होती है कि कोई मुझसे जो है, जो मैं टॉपिक डिलीवर कर रही हूँ, अगर उससे रिलेटेड जो है मुझे कोई क्वेश्चंस करे तो मुझे अच्छा लगेगा। तो जितने पार्टिसिपेंट हैं सबको जो है ना, वालेकुम अस्सलाम, और आप सब लोगों को मैं आपका थैंक्स करती हूँ कि आप लोगों ने इस सेशन को ज्वाइन किया है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जी को क्वेश्चन यह माजिद वजीर है, इन्होंने लिखा है कि प्लीज टेल अस अबाउट कन्वर्सेशन मीन द मेथड बाय विच वी लर्न इजी टू टॉक विद अदर इन इंग्लिश। देखिए, मैं कोई इंग्लिश लैंग्वेज पे कोई लेक्चर नहीं दे रही, मैंने आपको एक रेफरेंस दिया है कि जैसे इंग्लिश लैंग्वेज के अपने एक हरूफ ताजी होते हैं, इनके साउंड लेटर होते हैं, इस तरह उर्दू के भी होते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश लैंग्वेज की आप बात कर रहे हैं कि हमने इंग्लिश लैंग्वेज को कैसे लर्न करना है, तो इसके लिए जो है जो इंग्लिश वो है काफ़ी सेंटर्स मौजूद हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज जो है वहाँ पे आपके ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है। तो बेहतर ये कि आप वहाँ से जो है वो करें, इंग्लिश लैंग्वेज के कोर्सेज करें। हनीफ खान, थैंक यू सो मच हनीफ खान, और ये फारूक अहमद, मरियम उस्मान, हाउ ये मरियम है, मरियम उस्मान है, हाउ डील टू विथ डेथ फोबिया। अच्छा, ये डेथ फोबिया ये आपका साइकोलॉजी से रिलेटेड है, ये फेयर है, ठीक है। फोबिया मीन फेयर होना। तो ये जब जो साइकोलॉजिस्ट के सेशन होते हैं, ठीक है, जैसे डॉक्टर उज्मा जो है कर रही हैं, डॉक्टर सोबिया हैं, डॉक्टर हिना इमरान हैं, जब इनके सेशन होंगे तो आप इनसे जो है ये डेथ फोबिया के बारे में क्वेश्चन कर लिएगा। मेरा जो आज का जो टॉपिक है वो क्लैरिटी से रिलेटेड है, यानी कि जो बच्चे क्लियर वे में लफ्ज़ की अदायगी नहीं करते उसको मैं डिस्कस कर रही हूँ, वो हमारा फोकस है। तो आप लोग जो है साइकोलॉजिकल इश्यूज वाले जो क्वेश्चंस हैं वो आप जो साइकोलॉजिकल साइकोलॉजिस्ट कंडक्ट करेंगे, तो आप प्लीज जो है ना उनसे फिर ये सवाल कर लिएगा। थैंक यू डॉक्टर रुजमा।
मोहम्मद इकबाल हैं, ये हैं मैडम प्राइवेट, कहाँ करती हैं आप, प्लीज टेल मी। ये आईसीपी में ही होती हूँ, वहीं पर ही मैं प्राइवेट क्लाइंट भी डील करती हूँ। तो आजकल हमारा जो आईसीपी है वो क्लोज है कोविड-19 की वजह से। तो आपको अगर किसी को वो करवा किसी की ट्रीटमेंट करवानी है स्पीच में, तो आप फिर आईसीपी को जो है ना अप्रोच करिएगा, वहीं पर ही फिर इंशाल्लाह आपको मैं आपको जो भी केस होगा वो तो मैं देख लूँगी स्पीच से रिलेटेड। ये है मोहम्मद इकबाल प्राइवेट प्रैक्टिस, सेम जैसे मैंने मोहम्मद इकबाल को जो है रिप्लाई किया है, आईसीपी है जहाँ पे मैं अपना क्लिनिक करती हूँ, तो आजकल बंद है। तो हालात बेहतर होंगे तो फिर आप लोग अप्रोच कर लीजिएगा। अच्छा, ये हाजरा, माय चाइल्ड स्टेमर सम टाइम, हाउ वी कैन रिजॉल्व प्रॉब्लम। स्टेमर मतलब हकलाहट का आपने पूछा है कि आपका बच्चा जो है वो स्टैमर करता है सम टाइम। तो स्टैमरिंग पे मैंने क्या है, स्टटरिंग या स्टैमरिंग जो है, इसमें मेरी जो लास्ट वो थी वीडियो थी, जो सेशन था लास्ट, अगर आप देखें आईसीपी के पेज पे, तो उसमें मैंने बच्चों से रिलेटेड जो है कुछ स्ट्रेटजीज टेक्निक्स वगैरह मैंने बताई हैं। तो प्लीज आप जो है वो वीडियो जो है वो देख लीजिएगा, आपको जो है उसमें से बहुत मतलब हेल्प मिलेगी, जरूर मिलेगी आपको, जैसे कि वो था ही जो है बच्चों से पेरेंट्स के लिए मैंने किया था। तो आप मेरी लास्ट वाली वीडियो जो है वो इसी पेज पे आप देख लीजिएगा। ये शालानी दास है, ये है हाउ टू अप्लाई स्पीच थेरेपी फॉर ऑटिस्टिक चाइल्ड। ऑटिज्म पे भी मैंने किया है, अगर आप जो है आईसीपी के इसी पेज पे अगर आप देखें, तो ऑटिज्म पे भी मैंने अपने, बल्कि उस पर तो मेरे दो सेशन हुए हैं। एक मैंने ऑटिज्म को डिफाइन किया है कि ऑटिज्म है क्या, उनके प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, और फिर उनकी जो है जो सेकंड हमारी उसकी वो था पार्ट टू था, उसमें ऑटिज्म की जो है ट्रीटमेंट थी, असेसमेंट वगैरह था, उसको डिस्कस किया था। तो ये जो दोनों वीडियोस है उसमें बड़े डिटेल के साथ जो है इंफॉर्मेशन मौजूद है। अगर आप सेकंड वाले वीडियो को देखें और उसकी थेरेपी की आप बात करें, तो थेरेपी पे मैंने बहुत जो है डिटेल में बात की है, बहुत ज़्यादा मैंने उसमें टिप्स दिए हैं, खास तौर पे घर के लिए बड़ी स्ट्रेटजीज जो है मैंने उस पर बताई हैं। तो प्लीज़ आप लोग जो है आप जो सैलानी दास साहब हैं आप उस वीडियो को देखें और जो है बताइएगा, मतलब उसको देख के जो है बच्चे पे जो आपको नजर आ रहे हैं जो सिम्टम्स, और उसमें मैंने कुछ सिम्टम्स बेस्ड जो ना चीज़ें मैंने बताई हैं, जैसे आई कॉन्टेक्ट नहीं करता, या सोशल का मसला है, सोशल प्रॉब्लम है, या फिर बिहेवियर प्रॉब्लम्स हैं, या सेंसरी इश्यूज हैं, या फिर जो है लैंग्वेज का प्रॉब्लम है जिसमें कम्युनिकेशन का जेस्टर्स यूज़ नहीं करता, पॉइंटिंग जो है वो यूज़ नहीं कर रहा, या सिंगल वर्ड से टू वर्ड्स पे कैसे लेके आना है, टू से थ्री वर्ड्स पे कैसे लेके आना है, कि मतलब अंडरस्टैंडिंग पे भी मैंने काफ़ी जो है चीज़ें बताई हैं कि बच्चे के लफ्ज़ों को अंडरस्टैंडिंग कैसे सिखाना है और उसको कैसे जो है एक्सप्रेस करना सिखाना है। तो ये सब चीज़ें जो है मैंने उसमें डिफाइन की है। तो आई होप कि आज जो है आप लोगों को जो स्पीच साउंड एरर यानी कि जो फोनोलॉजिकल के हवाले से जो मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस किया है आप लोगों के सामने, आप लोगों को पता चल गया कि लास्ट मेरे जितने भी वीडियो वो थी सेशंस थे उसमें मेरे पास जो है इतने क्वेश्चन आए थे साउंड एरर के हवाले से, कि कुछ मदर्स या फादर्स थे जो अपने बच्चे की क्लैरिटी के बारे में पूछते थे हर सेशन में, कि मेरा बच्चा इतने साल का हो गया है, वो इन लफ्ज़ को जो ना सफाई के साथ नहीं बोलता, उसका ये है। तो मैंने उनसे ये कहा था कि आप अपने बच्चे के साउंड्स एरर को नोट करें कि कौन कौन सी साउंड जो है वो सही तरह से नहीं बोल पा रहा। तो एनीवे अभी मैंने जो कि थेरेपी जो है उसकी नहीं बताई है, जो कि मुझे यहाँ पे वो जो है पार्टिसिपेंट नज़र नहीं आ रहे जिन्होंने मुझसे ये क्वेश्चंस किए थे। तो जो सेकंड मेरा जो सेशन होगा वो असेसमेंट और थेरेपी से रिलेटेड होगा, तो
तो प्लीज आप लोग जो है बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन, अगर किसी के बच्चे हैं और वो सही तरह से जो है वो नहीं बोलते, क्लियर वे में नहीं बोल रहे, तो आप जो है ना उससे साउंड से रिलेटेड जो है ना सवाल करिएगा, मैं आपको उसकी थेरेपी बताऊंगी। ठीक है, तो आज के लिए मेरा इतना ही वो था, मतलब इतना। दूसरी, अगर मैं दोबारा इस पर कंटिन्यू करूंगी असेसमेंट और थेरेपी, तो इसमें मुझे बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, जो कि मेरे पास इतना ज्यादा टाइम नहीं होता, मैं बड़े मुश्किल से टाइम निकाल पाती हूँ। तो इंशाल्लाह ताला जो कमिंग जो ट्यूसडे होगा उसमें हम असेसमेंट और थेरेपी जो है आर्टिकुलेशन और फोनोलॉजिकल का, ये दोनों अलग अलग हैं। आर्टिकुलेशन से रिलेटेड मैं अलग बताऊंगी और फोनोलॉजिकल के हवाले से मैं अलग बताऊंगी। तो इंशाल्लाह ताला जो हमारे जो नेक्स्ट जो सेशन होगा यानी कमिंग ट्यूसडे को, तो इसी को कंटिन्यू करेंगे, फोनोलॉजिकल असेसमेंट एंड थेरेपी को। तो इंशाल्लाह ताला जो ना फिर नेक्स्ट ट्यूसडे को मिलते हैं, उस वक्त तक के मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें।